नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फैमिली गुरु पर और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। क्या आप भी नेल एक्सटेंशन करवाने का प्लान कर रहे हैं? नेल एक्सटेंशन करवाने के बाद आपको कई चीजों का खास ख्याल रखना होगा। कई बार खूबसूरती के कारण कई लोग नेल एक्सटेंशन करवा लेते हैं और बाद में उन्हें काफी दिक्कत होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेल एक्सटेंशन करवाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेल एक्सटेंशन ज्यादातर लोग हाथों की खूबसूरती दिखाने के लिए करवाते हैं, तो वहीं कई लोग नेल की साइज बढ़ाने के लिए भी करवाते हैं। नेल एक्सटेंशन आपके हाथों पर ज्यादा से ज्यादा एक महीने तक रहता है। नेल एक्सटेंशन करवाते समय कई बार हम नेल का साइज काफी बड़ा करवा लेते हैं। हालांकि अगर आप घर का काम या फिर नौकरी करते हैं तो आपको कभी भी नेल एक्सटेंशन ज्यादा लंबा नहीं करवाना चाहिए। इससे आपके हाथ भले ही खूबसूरत लगते हों लेकिन काम करने में काफी दिक्कत हो सकती है। कई बार हम डार्क कलर का नेल कलर चुन लेते हैं। ऐसा ना करें, आपको अपने स्किन कलर के अनुसार ही कलर का चयन करना चाहिए। इससे आपके नेल हर तरह के कपड़ों पर सूट करेंगे और ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा। दोस्तों, नेल एक्सटेंशन अगर आप बार बार करवाती हैं तो इससे आपके खुद के नेल खराब हो जाएंगे। एक्सटेंशन करवाना सही है लेकिन एक बार आप एक्सटेंशन करवा रही हैं तो दूसरी बार तुरंत ना करवाएं। दूसरी बार के लिए आपको थोड़ा समय लेना चाहिए, इसके बाद ही आपको एक्सटेंशन करवाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, नेल एक्सटेंशन करवाने के लिए नकली नाखून को ग्लू की मदद से चिपकाया जाता है। ऐसे में अगर आप नाखून लगाने के बाद बर्तन धोती हैं तो आपको नेल एक्सटेंशन नहीं करवाना चाहिए। गलती से भी आपके नाखून पर चोट लगेगी तो इससे काफी दर्द होता है। कई बार नाखून से खून भी आने लगते हैं। नेल एक्सटेंशन करवाने के बाद आपको अपने नेल को ऐसे नहीं छोड़ना है, आपको डेली क्यूटिकल ऑयल अपने नाखून पर लगाना चाहिए। इससे आपके नेल ड्राई नहीं होते हैं। अगर आप क्यूटिकल ऑयल समय समय पर लगाती हैं तो आपके नेल को ड्राइनेस की समस्या नहीं होगी। अगर आपके मन में हमारी स्टोरी से जुड़े कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। साथ ही ऐसे ही और लाइफस्टाइल रिलेटेड कंटेंट के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल फैमिली गुरु पर। धन्यवाद।